नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सद्दाम, CFM न्यूज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको मालूम है, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तैयारियां की जा रही है। इसी दौरान हमारे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में आज हम लोग मौजूद हैं तिरमूल ब्लॉक सभापति विमान आचार्य जी के पास में। आइए दोस्तों, हम लोग उनसे जानेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव जो 26 तारीख को होनी है, 26 अप्रैल को, इस विषय में विमान आचार्य जी हमें क्या जानकारी देंगे। पहले तो हम CFM चैनल को धन्यवाद देता है। 2021 में बीजेपी पार्टी एक ऐसा पार्टी है पूरा विभ्रांत करता है आदमी को, लेकिन ब्लैक बॉक्स में हर जगह में दीदी का वोट ही ज्यादा पड़ेगा। हमारा लग रहा कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तो हर दिन बोल रहा, पहले थोड़ा कुछ सीट घट गया था, अभी देखता बाद दिन के दिन जितना दिन आ रहा सीट लेकिन बढ़ रहा। दीदी को अभी 180 से 80 सीट एकदम जरूर मिलना है, एकदम ये मेरा पक्का वादा है। हम जैसा कि खबर रखता है, जैसा कि माना जा रहा है हमारे कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में उज्जवल चटर्जी लगातार 3 बार जीत चुके हैं यहाँ से, और इस बार भी उन्हें तृणमूल में ने प्रत्याशी के रूप में यहाँ पे स्वीकार किया है। तो इस विषय में क्या कहेंगे आप कि उज्जवल चटर्जी जो है फिर से तृणमूल में कुल्टी में तृणमूल पार्टी को एक अपना सहयोग देने में सफल रहेंगे? 3 बार जीता है तो इस बार भी जीतेगा। कहे कुल्टी में तृणमूल पार्टी एक तो ऐसा पार्टी है कुल्टी में, बहुत मजबूती के साथ बोल रहा हूँ। हम लोग एक तो 14 तारीख को अख्तार हुसैन का वहाँ मीटिंग बुलाया जिसमें हम लोग अपने गुटबाजी खत्म हो और एक साथ में लड़े। अगर एक साथ में लड़े तो बीजेपी यहाँ हवा आ जाएगा किसी को भी पार्टी। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अब तक तृणमूल पार्टी यहाँ पे बहुत ज्यादा टूट चुकी है, क्योंकि 4 पार्षद ने अपना इस्तीफा देकर बीजेपी भाजपा को चुन लिया है, तो इससे पार्टी को तो कुल्टी में काफी नुकसान होने की चांसेस है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? अरे इस विषय में तो आप जानते हैं कि हर साल हर 5 साल अनंतर एक तो काउंसिल चेंज होता है, तो उसमें क्या है, काउंसिल चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये 105, 104, 103 ये पूरा मेरा क्लच में है। हम जिसको खड़ा करेगा उसी को जिताएगा, तो चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 वार्ड में कौन कौन सा वार्ड है आपका? 105, 104, 103 जिसमें बप्पा था, बप्पा का जराना था, और अशोक पाल का भाई सदन पाल। बप्पा आचार्य जी जो है एक बड़ा चेहरा है, वो पिछले विधानसभा चुनाव कांग्रेस से लड़ चुके हैं, तो उनका एक अहम रोल रहा है कुल्टी में, लेकिन वो तृणमूल में रहते हुए भी तृणमूल को छोड़ करके अभी अचानक से जो भाजपा को ज्वाइन किए हैं, तो इससे पार्टी को तो वो काफी क्षति पहुंचा सकते हैं। अब हम बोलते हैं इसमें आप जैसे बप्पा का रोल बोल रहा है, इसमें तो विमान जी का भी रोल है। विमान जी को ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जमीन छोड़ देगा। ब्लॉक सभापति आप हैं, ब्लॉक सभापति जमीन छोड़ देगा बप्पा को, बीजेपी का टिकट लेके वो जीत जाएगा, इतना मरद है यहाँ पर उज्जवल चटर्जी जीतेगा। लेकिन ऐसा देखा गया यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं, अभी जनता के बीच भी ये सवाल बार बार उठ करके आ रहा है कि बीजेपी ऐसा हवा बना रही है, या फिर सत्य है या झूठ है कि तृणमूल कांग्रेस जो अभी पानी का योजना जो चला रही है, घर घर हाउस कनेक्शन दे रही है, इसमें 3,080 रुपए जो है वो जबरन वसूला जा रहा है पब्लिक से, ऐसा बीजेपी के कई नेताओं का कहना भी है। अरे बीजेपी तो कुछ भी करेगा, उन लोग को तो हवा में तो बात करता, पानी तो मिल गया, पानी के में जो होता है इतना पानी तो घर घर में दे रहा, तो जो एक तो नियम है पौरसभा चलेगा कैसे, बिना पैसा में कनेक्शन देगा तो आदमी तो कॉल तो खुल कर रख देगा, बंद नहीं करेगा। इसमें पैसा दिया तो लगता है, जो पैसा लेकिन कई ने पानी का दिया समस्या कुल्टी में सबसे ज्यादा था, लेकिन ममता भाई पहले एक साल पहले बोला था जो हमको कुछ नहीं चाहिए, उज्जवल को भी बड़ी सुनी जे को मूल्य, एक बचर मध्य जल जल पड़ी इलेक्शन आगे जल पड़ी गई, पब्लिक खुशी आ बीजेपी हवा बीजेपी। ऐसे भी लोग हैं हमारे कनेक्शन खुद जी, ऐसे भी लोग हैं हमारे क्षेत्र में जो 3,000 रुपया मतलब सरकार को दे नहीं सकते, इस वजह से उसका अपना घर में पानी का कनेक्शन नहीं हुआ, ऐसे भी कई लोग हैं। कोई लोग है तो हम ही जानते, लेकिन ढलाई घर में लेता है,
को 3,080 रुपया लेता है, लेकिन ऐसे ट्राली घर में बहुत से फ्री भी कर दिया, 80 रुपया चार्ज है, ओनली 80 रुपया। बहुत ऐसा पुराना घर है जो ढलाई किया हुआ है, लेकिन ढलाई तो है भाई, ढलाई या ट्राली में फर्क नहीं है। तो उसके बाप दादाओं ने किया था, वो अगर पुराना ढलाई घर छोड़ देगा, नया ढलाई घर मिलेगा उसको, अगर उसकी जागीर में मिली है ढलाई घर। इसका बारे में बोलना है तो आप पौरसभा को प्रशासन के पास जाइए, मेरा कहना। तो चुनाव में इसका कुछ असर पड़ेगा या कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। उज्जो जी जीत रहा, जीत रहा, जीत रहा, 100 बार बोल रहा, जीत रहा। यहाँ पे एक होगा आप कितने बार बोलेगा? यहाँ पे ऐसा भी बोला गया कुलटी में बहुत ऐसा विकास का काम नहीं हुआ उज्जवल चटर्जी के रहते हैं, गलत बात है। बताया गया जैसे कि आपका यहाँ पे साइंस का कॉलेज नहीं है। बीजेपी का करके दिखाया हमको, पहले दिखाया कुलटी में, बीजेपी का करके दिखाया कुलटी में, बीजेपी कुलटी में एक जमीन दिखाई है तो रास्ता नहीं है, माने भांगा टूटा है, थोड़ा बहुत भांगा टूटा हो सकता है। हमारा अमल में जो हम चेयरमैन था, हम भी बहुत काम किया, जितेंद्र तिवारी भी हम लोग का ही पार्टी का था, जितेंद्र तिवारी बहुत काम किया, और उज्जवल चटर्जी तो कहा ना नहीं, 26 साल से काम करता है। लेकिन ऐसा माना गया है कि पार्टी में भी आप लोगों का गुटबाजी है, जैसे विकास का काम में स्ट्रीट लाइट को लेकर के बात कही गई थी, उस दौरान देखा गया था कि तबस्सुम आरा ने लाइट का उद्घाटन करके पहले चली गई, उसके बाद फिर दूसरी बार उस लाइट का उद्घाटन उज्जवल चटर्जी करते हैं। तो यहाँ तो आपके पार्टी में भी कई सारी गुटबाजियां हैं, ये तो इस विषय में आपके बहुत पुराना बात है, इसको अगर जानकारी करना चाहिए तो आप घटक जी का पास। अभी भी ऐसे बहुत ऐसा कार्यक्रम है, हम कुछ मंतव्य नहीं करेंगे, पौरसभा का बात है, पौरसभा। अभी भी विधायक का बहुत ऐसा कार्यक्रम है किया जाता है जिसमें आपकी भी मौजूदगी नहीं होती है, और डिप्टी मेयर जो पुरानी रह चुकी हैं उनकी भी मौजूदगी नहीं होती है, तो क्या कारण है इसका? कारण उज्जवल चटर्जी समझेगा, हम लोग का कुछ कारण नहीं है, हम लोग को जब बुलाएगा उज्जवल चटर्जी तब जाएगा, नहीं बुलाएगा तो नहीं जाएगा। आपको घर में हम निमंत्रण देगा तब तो आप खाएगा मेरा घर में। तो पार्टी को इससे कुछ नुकसान? पार्टी का क्या नुकसान पहुंचेगा, लोग तो अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। वो सोच रहा है कि हम 3 बार का विधायक है, हमको किसी को जरूरत नहीं है, तू अलग सोच रहा, ये सोच बहुत खराब चीज है, आगे दिन होना नहीं चाहिए।